हेलो। तो क्लास 12th बिजनेस में हम चैप्टर पहले थे डायलैक्टिंग, जहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन या भी सुपरवाइजन का रोल या फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना था। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आता है सुपरवाइजर का, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो वर्कर है और मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच में लिंक जनरेट करता है डेल सुपरवाइजर, बिकॉज दी सुपरवाइजर एक्सप्लेन दी मैनेजमेंट पॉलिसी और वर्कर एंड बलिंग वर्कर प्रॉब्लम टू दी नोटिस ऑफ दी मैनेजमेंट। दूसरा जो फंक्शन है इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन, टू मेक श्योर दैट इंस्ट्रक्शन आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज। सुपरवाइजर ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट होना चाहिए। तीसरा फंक्शन है फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान आउटपुट। इट इंश्योर चेकिंग ऑन द मैटर इन यूज एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान शेड्यूल। सुपरवाइजर कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। कंट्रोल का मीनिंग है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मीन्स जो परफॉर्मेंस जो काम खत्म कर दिया है, उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। और हमने प्लानिंग के समय एक टारगेट रखा था कि ये काम कितना होना चाहिए। अब जो हमने टारगेट लगा था वो प्लान हमारा टारगेट कहलाएगा प्लान आउटपुट, ये या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट। और स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना, स्टैंडर्ड आउटपुट को जैसे एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर किया जाता है, उस चीज को बोलते हैं कंट्रोलिंग। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, डी स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर एंड गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर इनकलेज डी एम्प्लॉयज एंड वेलकम टू बी मोर डिसिप्लिन इन दी एक्टिविटीज। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुपरवाइजर दी वेलकम फॉलो ए फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड दी एग्जीक्यूट
इलाइट प्लान इन दी लाइट डायरेक्शन। सुपर सुपरवाइजर का काम होता है कि डिसिप्लिन को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो डिसिप्लिन को मैनेज करें। फीडबैक, दी सुपरवाइजर आर डायरेक्टली डीलिंग विद दी सबोर्डिनेट, एज ए रिजल्ट फीडबैक इन दी फॉर्म ऑफ सजेशन गाइडेंस कीप कमिंग टू द मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व क्वालिटी मैनेजमेंट डिसीजन एंड रिविजन ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। एक सुपरवाइजर लोअर लेवल की परफॉर्मेंस को देखता है और उस चीज का फीडबैक टॉप लेवल की मैनेजमेंट को देता है। इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, ए सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटी कैन बिल्ड अप हाई मोरल अमंग वर्कर। दी रिलेशनशिप विद दी सुपरवाइजर इज वेरी गुड इंटर्नशिप टू इम्प्रूव दी मोटिवेशन लेवल ऑफ द इम्प्लॉयज वाइल गाइडिंग दी इम्प्लॉयज। दी सुपरवाइजर इनकरेज दी सबोर्डिनेट टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। सुपरवाइजर ये देखता है कि मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है सुपरवाइजर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑल दी एक्टिविटीज आर अंडर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ दी सुपरवाइजर जो लेस वेस्टेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल। सुपरवाइजर ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपरवाइजर काम कर रहे हैं वो कम से कम वेस्टेज कर लें रिसोर्सेज की। सुपरवाइजर एक रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखता है कि रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट नहीं होने चाहिए।